नमस्कार, जोहार, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर पर आप सभी का स्वागत है। और अभी हम लोग डिस्कस करेंगे जेपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी के बारे में और जेट के बारे में, झारखंड एलिबिलिटी टेस्ट, झारखंड पात्रता परीक्षा, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर अगर बनना है झारखंड में उसके लिए जेट का आयोजन होना था। तो फिलहाल आप सभी का सवाल था, बार बार ये सवाल आ रहा था कि सर जेट कब आएगा, असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी झारखंड में कब आएगी। तो मैं जेपीएससी का ऑफिशियल वेबसाइट हूँ, है ना, ये आपका झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन जेपीएससी का ऑफिशियल वेबसाइट है। और जेपीएससी का ऑफिशियल वेबसाइट पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा क्या अपडेट्स हैं। और जैसे हम लोग ये आगे बढ़ते हैं, जो लेटेस्ट रिक्रूटमेंट ओपनिंग ये सारा जो लिंक दिया हुआ है, आप यहाँ पर जो थर्ड नंबर है ना, थर्ड नंबर पे आपको एक लिंक दिखाई देगा जो क्या चीज से संबंधित है। थर्ड नंबर पे ये, चलिए ये तो आपका आउट हो गया हम लोग, और ये आपका आ गया एसोसिएट प्रोफेसर वाला ना। चलिए बैक चलते हैं और मैं आपको जो दिखाना चाह रहा हूँ जो लिंक तीन नंबर वाला, वो आप देखें उस लिंक में क्या है और आगे फर्दर क्या एक्शन हुआ है और क्या होना है और आप सब क्या चाहते हैं। ये तीन मैटर है। पहला, जेपीएससी ने क्या लिंक डाला है, जेपीएससी का क्या प्लान है, दूसरा सरकार क्या चाहती है, और तीसरा आप क्या चाहते हैं। यहाँ पे तीन पक्ष है। तो देखिए तीन नंबर पे क्या था आपका, रिक्रूटमेंट ऑफ झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी जेट के बारे में यहां पर है। जेट के बारे में ये नोटिफिकेशन है और इसके बारे में हमने वीडियो भी बनाया था। और क्या था ये, इसको एक बार देख लेते हैं क्लिक करके, जो नए हैं उनके लिए, जिनको इसके बारे में आइडिया नहीं था। ये 7 मार्च का नोटिस है, आज का नहीं है, ये 7 मार्च 2024 का नोटिस है। और फर्दर इस पर कोई भी हम लोग एक्शन नहीं देख रहे हैं। ये 7 मार्च 2024 का नोटिस है। और ये क्या नोटिस था एक बार आप सभी को रिकॉल करा दो। रिकॉल जब आप कर लेते हैं ना, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और मैटर पर डिस्कशन करते हैं आगे भी क्या इसमें होना है। तो ये फिलहाल हाँ ओपन हो गया है, ये आप देखिए आपको दिख रहा है ना डिटेल्स। तो झारखंड लोक सेवा आयोग, सर्कुलर रोड रांची, प्रेस विज्ञप्ति है ये आपका 7 मार्च 2024 का। और उसको हम लोग आज देख रहे हैं। आज क्यों देख रहे हैं, इसके पीछे वजह है दोस्त, है ना, इसके पीछे एक वजह है, इसलिए देख रहे हैं। आवश्यक सूचना, झारखंड राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 2000 है ना, अंगीकृत एवं अद्यतन संशोधित की धारा इतना, उच्च शिक्षा निदेशालय की अधिसूचना संख्या इतना के रूल्स के द्वारा क्या हो रहा है, झारखंड एलिबिलिटी टेस्ट, और इसके लिए बकायदा पूरा रूल्स रेगुलेशन जो आपका उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग झारखंड सरकार का, उसमें पूरा रूल्स और रेगुलेशन इसको डाला गया। उस पर पूरा डिटेल्स हम लोगों ने बात भी करी किस प्रकार झारखंड में नियुक्ति होगी। तो असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी में एडमिशन के लिए आपका क्या आयोजन होगा, जेट का, इनके लिए जेट का आयोजन होगा। और बकायदा इन्होंने टेंटेटिव एग्जाम डेट्स भी बता दिया है ना। तो नियुक्ति के लिए और असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए और पीएचडी में नामांकन के लिए जेट का आयोजन होगा। और संभव जो इन्होंने डेट बताया, उस डेट के बारे में हम लोग देख लेते हैं। जो इन्होंने डेट बताया वो था आपका मई या जून, आप देख लें डेट कब दिया इसने, मई या जून। और इसके बाद ये कह सकते हैं एक तरह से कान में तेल देके, कह सकते सरसों तेल एकदम बिल्कुल देसी वाला देके सो गए, है ना, कान में सरसों तेल देकर आराम से सो गए। इनका मई और जून अभी तक आया नहीं है हम लोगों के लिए, अगस्त का जुलाई लास्ट है और अगस्त में हम लोग एंट्री कर रहे हैं, लेकिन जेपीएससी के लिए यहां पर कुछ नहीं है। और उनको ये भी नहीं पता, उनको लगता है ये भी याद नहीं है कि हमने कुछ नोटिस भी डाला है। ये तो बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना है। अगर आपने 7 मार्च को ये नोटिस डाला है और फर्दर आप कुछ भी अपडेट्स नहीं दे रहे हैं क्या होना है, तो बच्चे सोचेंगे ना, कितने कोचिंग संस्थानों ने इसके लिए बैचेज स्टार्ट कर दी जेट के लिए, कितने स्टूडेंट्स ने पढ़ाई करने आरंभ कर दी। और ना जाने रोज, ऐसा कोई दिन नहीं जिसमें जेट के बारे में मेरे चैनल पे कमेंट नहीं आता। मैं कोई भी वीडियो डालूं, चाहे वो जेट के रिगार्डिंग नहीं रहे, दूसरे चीजों के बारे में डालता हूं, लेकिन जेट में इतने इंटरेस्ट बच्चे हैं, सर जेट का एग्जाम कब होगा, जेट का अपडेट्स क्या है, इसलिए मुझे लगा नहीं कि स्पेशल वीडियो आप सभी के लिए बना रहे। जिस प्रकार रांची जाने के बाद जेपीएससी से के कार्य में मिलने के बाद जिस प्रकार की बातें निकली कि फिलहाल आपका जेट नहीं होगा, ये आप 100% जान लें
जेट का आयोजन आपका अभी फिलहाल नहीं हो रहा है, जेट कैंसिल हो गया, ये ठंडे बस्ते की लग क्यों चला गया, क्योंकि आपने एनटीए का नाम सुना होगा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो क्या करती है, यूजीसी नेट का एग्जाम्स लेती है, नीट का लेती है, सीएसआर नेट का लेती है, और अभी इनका हाल कैसा है, बहुत ही डाउन। इनका हाल कैसा है, डाउन, क्यों, नीट का एग्जाम को लेकर, चाहे वो नीट का एग्जाम हो या फिर नेट का एग्जाम हो, दोनों में इनका जिस प्रकार का परफॉर्मेंस रहा है, इनका हालत बहुत ही खराब है, और जेपीएससी ने इनके कंधे पर बंदूक रखकर आपको नोटिस दे दिया, हम जेट का एग्जाम्स लेंगे, इनके कंधे पर बंदूक रखकर ये नोटिस ले लिया कि हम जेट का एग्जाम्स लेंगे, ठीक है, तो जेट का एग्जाम लेंगे। और लास्ट में एनटीए ने क्या कर दिया उनको, तो जेपीएससी को उस समय, ये कब का बात है आपका, 7 मार्च 2024 का बात है, 7 मार्च 2024 का बात है, तभी जेपीएससी को पता था, जेपीएससी को लगता था कि नहीं एनटीए से हम एग्जाम्स करवा लेंगे, एनटीए से एग्जाम्स करवा लेंगे, लेकिन एग्जाम्स अब एनटीए ने डिनाई कर दिया, क्यों कर दिया, क्योंकि एनटीए का नीट के कारण और यूजीसी नेट के कारण जो किरकिरी हुआ, जो बदनामी हुआ, अभी एनटीए ने कहा कि हम जेपीएससी जैसा, और जेपीएससी ऐसी संस्था है ना, इससे लोग इसको दूर से प्रणाम करता है, एक ही बार जेट एग्जाम लिया आज तक, एक ही बार जेट एग्जाम लिया है, जिस पर अभी भी सीबीआई जांच चल रही है, और अभी भी जो प्रोफेसर है उनको कह सकते हैं रात का उनको नींद नहीं आता, रात को क्या पता मेरा जॉब कब चला जाए, कब हम जेल चला जाए, सीबीआई का जांच रिपोर्ट डेली न्यूज में आते रहता है, आज ये हुआ वो हुआ, लेकिन कुछ होता खैर नहीं है, वो लोग बच जाते हैं। तो फिलहाल एनटीए ने जेपीएससी को कहा कि मैं आपको राम राम करता हूं, मैं आपका जेट एग्जाम नहीं ले पाऊंगा, क्योंकि मेरा ही हाल बहुत बुरा है दोस्त, मेरा ही हाल बहुत बुरा है, इन्होंने ना कर दिया। एनटीए ऐसा संस्थान है ना, ये जो यूजीसी नेट का एग्जाम लेती है, तो इसका पेपर वन का जो सिलेबस है, और पेपर टू जो इन्होंने 82 सब्जेक्ट का ये एग्जाम्स लेती है आपका यूजीसी नेट का, अभी तो 103 सब्जेक्ट हो गया है, नए नए सब्जेक्ट ऐड किए गए हैं, और एनटीए 103 सब्जेक्ट का नेट का एग्जाम कंडक्ट कराती है फिलहाल, तो इनके पास एक्सपीरियंस है, क्योंकि जेट का सिलेबस और यूजीसी नेट का सिलेबस 100% सेम है ना, बस है कि जेट में लेवल लो रहेगा, यूजीसी नेट जैसा हाई लेवल का क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, सिलेबस सेम है, लेवल थोड़ा लो रहेगा, जैसे क्वेश्चन होता है इजी मॉडरेट हार्ड, यहां पर आपको मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और यूजीसी नेट में बिल्कुल अप लेवल का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, तो बस वही होना था। एनटीए अगर आज चाह लेगा ना, ये एग्जाम्स आपको 10 से 15 दिन के अंदर एनटीए एग्जाम ले लेगा, जेट इनके लिए बहुत बड़ा चीज, इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, ऑनलाइन एग्जाम्स होना है सारा इसके पास सुविधा है ना, और उनको एक्सपीरियंस है, ले सकता है। जेपीएससी को ऐसा कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, जेपीएससी के बत्ते का बतन में ऐसे जेपीएससी के बूते की बात नहीं है, जेपीएससी की इतनी कैपेसिटी नहीं है वो जेट का एग्जाम अभी इतने कम समय में ले ले, जबकि झारखंड में आपको 22 अगस्त में ही कहा जा रहा है कि अगस्त लास्ट तक में आचार संहिता लग सकता है, या तो सितंबर 1 में आचार संहिता आपका लग जाएगा, तो इतने कम समय में आपका जेट का एग्जाम जेपीएससी तो नहीं ले पाएगी, एनटीए ने डिनाई कर दिया है, इसीलिए वहां जिस प्रकार की बातें हुई कि फिलहाल जेट नहीं हो रहा है, सरकार पे प्रेशर है कि सरकार ने स्कूलों के लिए टीचर्स की बम्पर बहाली निकाली है ना, एग्जाम 1500 के हो रहे हैं, दूसरा इन्होंने झारखंड टेट का निकाल दिया, फिर कहा जा रहा है कि 2600 इस बार 24,000 पदों पर फिर आपका भर्ती होगा टीचर्स का, पंचायत सचिव की भर्ती इन्होंने करा दी, राजस्व कर्मचारी की इन्होंने करा दी, इसके बाद रेंजर्स की वैकेंसी निकली हुई जेपीएससी से, जेपीएससी सिविल सर्विस की वैकेंसी निकली है, यानी हर जगह वैकेंसी है, सिर्फ कहां पर नहीं है, हायर एजुकेशन में वैकेंसी नहीं है, तो इसीलिए सरकार का ये प्रयास भी है कि लास्ट टाइम में आपको हो सकता है 2404 पदों पर, जो यहाँ पर हम लोग बहुत पहले से इस वैकेंसी का वेट कर रहे हैं, 2404 पदों पर जो परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी के लिए अध्याचन जेपीएससी को मिल चुका है आपका आज से 6 महीने पहले, हो सकता है कि ये वाला आपका वैकेंसी आ जाए, सरकार इस प्रयास में है ना, सरकार इस प्रयास में है इस वैकेंसी को ही बस वैकेंसी निकाल के छोड़ दे और चुनाव में चले जाए, क्योंकि नहीं तो इनके पास कहने के लिए कुछ रहेगा नहीं, तो अभी ज्यादा चांसेस जेपीएससी से बात करने के बाद जो पता चला इस वैकेंसी पर जोर है, लेकिन यहां पर सरकार जो अभी झारखंड में जेएमएम की सरकार है, जो कह सकते हैं कि
एक तरह से यहाँ पे ये कहा जाता है 1932 के खतियान को लेकर ये बात करती है, झारखंडियों की सरकार की बात करती है, यानी वो चाहती है कि जब ये वैकेंसी निकले इसमें झारखंड के ज्यादा से ज्यादा बच्चे का चयन हो। इसके लिए उनका ये जिद पड़ा हुआ सरकार का, हम जेट भी ले लें, जेट में वही बच्चे जो झारखंड के हैं उनको यहाँ पर आने का मौका मिल जाएगा, क्योंकि नेट में ऑल ओवर इंडिया के बच्चे आ जाएंगे। जेट में अगर जेट करा के इस वैकेंसी को लाया जाए तो ज्यादा झारखंड के बच्चे चयनित होंगे, क्योंकि देखिए नेट वाले को कितना नंबर मिलता है। झारखंड में जो अभी नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है, आपका नेट और जेट दोनों को आपको कह सकते हैं बराबर नंबर मिल रहा है, नेट और जेट को बराबर नंबर दिया जा रहा है। जैसे नेट विद जेआरएफ है, आप अगर नेट भी है और साथ में जेआरएफ भी है, झारखंड में जो नियुक्ति प्रक्रिया नेट विथ जेआरएफ है, अगर आप नेट विथ जेआरएफ है तो आपको कितने पॉइंट दिए जा रहे हैं, 15, 15। अगर आप नेट हैं, अगर आप सिंपल नेट हैं तो आपको दिए जा रहे हैं 10। अगर आप सिंपल नेट हैं या फिर जेट हैं, सेट जिसको बोलते हैं जेट हैं, जो 2007 वाले जेट हैं, उनको यहाँ कितना दिया जाएगा, 10। यानी अगर जेट करा लेगा ना तो जो नेट वाले बच्चे हैं उनके इक्विवेलेंट ये लोग आ जाएंगे, झारखंड के बच्चे। तो सरकार का ये प्रयास है कि मेरे अपने बच्चे यहाँ पर आए और असिस्टेंट प्रोफेसर बने, तभी तो उसे चुनाव में फायदा होगा, है ना, तभी तो वो चुनाव, अगर दूसरे स्टेट वाले आके जॉब ले लेंगे उनको ज्यादा बेनिफिट यहाँ पे चुनाव में नहीं होगा, सरकार ये चाह रही है। ठीक है, बस मामला वहीं पे फंस रहा है। अभी देखिए आपके ज्यादा ये जेट तो नहीं होगा, जेट नहीं होगा, जेट होने के चांस 0% है, जेट होने के चांस कितने हैं, 0%। और वैकेंसी आने के चांस देखा जाए तो वैकेंसी आने के चांस है 50% है, वैकेंसी आने के चांसेस 50% है। ठीक है, क्योंकि ये भी समय कम है, वैकेंसी में अभी समय बहुत कम है, लेकिन क्या होगा बता दें आपको, जब इनको लगेगा आचार संहिता लागू होने वाला है तो नोटिफिकेशन निकाल लेगा, आपसे आवेदन ले लिया जाएगा, फिर नियुक्ति प्रक्रिया चलेगी लंबी, हो सकता है चुनाव के बाद क्या करें, रणनीति बता रहा हूं, ये हिडन नहीं है, ये मतलब मेरा ओपिनियन है, हो सकता है कोई लफड़ा लग के फिर चुनाव के बाद ये फिर कैंसिल हो जाए, अगर सरकार में फिर से आ जाती है जेएमएम, ये अभी वर्तमान सरकार, तो फिर क्या करेगा, जो नोटिफिकेशन है उस नोटिफिकेशन को वापस ले लेगी, जेपीएससी लिया जाता है ना, लिया जा सकता, हो सके जो पेमेंट जो कर देंगे, जो फीस दे देंगे उनको फिर दोबारा नहीं देना होगा, लेकिन वैकेंसी को हो सकता है उसमें वापस ले लिया जाए और फिर से जेट का नोटिफिकेशन निकाल के तब इसको पूरा कंप्लीट वो करें। ठीक है, ऐसा हो सकता है, एक एज्यूम है, लेकिन अभी जेट का चांसेस नहीं है। आप जो कमेंट करते हैं आपका मैं जवाब देना चाहता हूं बड़े विनम्रता से, जेट नहीं होगा भाई, जेट आपका इस बार इलेक्शन के पहले नहीं होगा, होगा तो क्या होगा, 2404 पदों पर जो परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी की मैं बात कर रहा था वो आपका आ सकता है, यही अगर आ गया तो हो सकता है कि आप इसी में अपना चांस लगाएं, इसी में इसी अवसर का फायदा उठाएं, और आप भी अगर आपका नेट में भी एग्जाम सभी आपका अगस्त में होना है, आप प्रयास करें कि आपका नेट निकल जाए, अगर जून वाला एग्जाम आपका खराब गया था तो रीनेट का जो एग्जाम्स होता है उसमें आप अपना स्थान पक्का करें। झारखंड के भी जो बच्चे, मैं उनको कहना चाहूंगा, आप अपना जो 21 अगस्त को एग्जाम है उस पर फोकस करें और अपना रिजल्ट पक्का करें, हो सकता है 2404 पदों पर भर्ती आ जाए, आपको एक बड़ा अवसर मिल जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल ये बिग अपडेट आप सभी को देना था, थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग विद एग्जाम फाइटर नंबर। और साथियों अगर आप सीरियस है ना, क्या चाहते हैं, तो आप कमेंट में बिल्कुल आप कमेंट यहां करें, वी वांट वैकेंसी, वी वांट जेट, तो आप वहां लिखिए ताकि पता चले, उसके बाद हम इस पर एक फिर से वीडियो बनाकर और फिर इस पर ट्विटर पे माननीय मुख्यमंत्री जी को, है ना, जो नए गवर्नर है, गवर्नर को और यहाँ के जो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट है उनको ये टैग करके उस पर एक ट्विटर अभियान आप सभी के माध्यम चलाने का प्रयास करूंगा, ताकि सरकार को भी पता चले स्टूडेंट्स क्या चाह रहे हैं, है ना, स्टूडेंट्स क्या चाह रहे हैं ये पता चले। तो चलो आपको कमेंट अभी करना है तुरंत वीडियो के नीचे कि मैं वैकेंसी चाहता हूँ, नहीं वी वांट असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी, और जो जेट चाहते हैं वो लिखना है वी वांट जेट वैकेंसी, ताकि सरकार के पास भी, क्योंकि सोशल मीडिया में हर किसी का नजर होता है, सरकार के पास अभी पहुंचाने का आपका मैसेज यही माध्यम सोशल मीडिया, आप वहां कमेंट करें ताकि ज्यादा से ज्यादा ये आवाज पहुंचे और जितने भी इससे जुड़े हुए लोग हैं जो जेट चाहते हैं या वैकेंसी चाहते हैं झारखंड के जैसे जितने भी बच्चे, उनको आप वीडियो को शेयर भी करें ताकि ये पूरी तरह से चर्चा का विषय बन जाए। अभी 10 दिनों के अंदर चर्चा का विषय बनाना है और हम लोगों को वैकेंसी लाना है, क्योंकि कम से कम जेट नहीं आ गए, इस वैकेंसी को लाना है, इसको एक अभियान के रूप में चलाना है। ठीक है, तो आप सभी से गुजारिश है आप ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना है आपको और इस वीडियो को शेयर भी कर देना है ताकि ये रन में आ जाए, इस पर हम
आगे हम लोग काम क्या करेंगे, फिर ट्विटर वगैरह पे जितने भी सोशल मीडिया के मंच है वहां पर भी हम लोग डिमांड करेंगे, जिस जैप बिल्कुल नहीं हो पा रहा है तो हम लोग इस वैकेंसी का ही डिमांड करेंगे, ठीक है। समथिंग इज बेटर देन नथिंग, अगर हमें जेट नहीं मिला तो कुछ तो मिला, ये वैकेंसी आ जाएगी, कितने का भला हो जाएगा। झारखंड में बहुत सारे बच्चे हैं जो पीएचडी किए हुए हैं, बहुत सारे लोग हैं जो नेट किए हुए हैं, जेआरएफ किए हुए हैं, उन सभी को फायदा हो जाएगा, है ना। तो फिलहाल ये बिग अपडेट था साथियों आप सभी के लिए। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग एग्जाम फाइटर नंबर। जय हिंद, धन्यवाद। तो आ जाइए बीच में।